आज अंकलेश्वर शहर के अंदर संत आसाराम जी बापू की प्रेरणा से संत आसाराम जी बापू साधक परिवार अंकलेश्वर द्वारा आज मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया गया था। 15 साल पहले पूज्य बापू जी ने इसका शंखनाद किया था। अपने भारतीय लोगों के लिए एक बहुत बड़ा त्योहार जैसा हो गया है और एक ये हर एक भारतीय को त्योहार मनाना चाहिए, पर हमारे जो संस्कृति है जो मातृ पितृ पूजन दिवस है वो जरूर मनाना चाहिए। बापू जी ने बहुत अच्छा ये काम जो शुरू किया है, हर साल करते और भंडारा भी करते और बिन साधकों ने भी भाग लिया उसमें और बड़े उत्साह से मातृ पितृ पूजन किया। पाश्चात्य कल्चर में जो लगे हुए हैं उनको एक बहुत बड़ा संदेशा मिल रहा है कि माता पिता का पूजन करके अपनी संस्कृति को उजागर करना चाहिए। माता पिता को आदर करते हैं और हमारी संस्कृति का रक्षण होता है, भारतीय संस्कृति आगे बढ़ेगी। क्या लगा अभी मातृ पितृ पूजन में आके? नहीं, कोई बंद नहीं हुआ, हमारा जो कार्य चल रहा है वो अभी भी चल रहा है। बापू जी के संकल्प से ये जो सब हो रहा है वो एक अकल्पनीय सिद्धि है। और आज केवल भारत में ही नहीं लेकिन विदेशों में भी 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जाता है। आज अंकलेश्वर शहर के अंदर संत आसाराम जी बापू की प्रेरणा से संत आसाराम जी बापू साधक परिवार अंकलेश्वर द्वारा आज मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया गया था। मेरा नाम ऋषभ है, ऋषभ कंसाकरा, और मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ बॉम्बे में। आज ये मातृ पितृ पूजन दिवस हुआ 14 फरवरी को, क्या कहोगे उसके बारे में? ये हर एक भारतीय को ये त्यौहार मनाना चाहिए क्योंकि इससे ही हमारी भारतीय संस्कृति आगे बढ़ेगी। मेरा नाम पूजा कंसाग्रा है और मैं अभी 10वीं में हूँ, हम अंकलेश्वर से ही है। और अभी मतलब अच्छा लगा अभी मातृ पितृ पूजन में आके, और सभी को ये मतलब मनाना चाहिए मातृ पितृ पूजन दिवस, काफ़ी अच्छा रहता है। और वैलेंटाइन डे ठीक है, मतलब फॉरेन कल्चर है तो वो उनके हिसाब से मना रहे हैं, पर हमारी जो संस्कृति है जो मातृ पितृ पूजन दिवस है वो ज़रूर मनाना चाहिए। मेरा नाम अतुल कंसाग्रा है, अंकलेश्वर से। बापू जी के संकल्प से ये जो सब हो रहा है वो एक अकल्पनीय सिद्धि है, हमारे भारतीय संस्कृति के लिए एक बहुत बड़ा, हम बोल सकते हैं कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि जो विदेश के लोगों से अपने हिंदू के लिए अपने भारतीय लोगों के लिए एक बहुत बड़ा त्यौहार जैसा हो गया है और एक बहुत संस्कार ऐसे मिल रहे हैं कि आज बच्चे जो संस्कृति भूल के पाश्चात्य कल्चर में जो लगे हुए हैं उनको एक बहुत बड़ा संदेशा मिल रहा है कि माता पिता का पूजन करके अपनी संस्कृति को उजागर करना चाहिए। मैं अंकलेश्वर अंडारा गाँव से हूँ, मेरा नाम नैनाबेन एम पटेल है। वो बापू जी की दीक्षा लेके मुझे 13 साल हुआ है। ये जो आज कार्यक्रम हुआ आपके गांव में, क्या कहोगे उसके विषय में? तो बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ और बिन साधकों ने भी भाग लिया उसमें और बड़े उत्साह से मातृ पितृ पूजन किया। कहूँगी कि बापू जी ने बहुत अच्छा ये काम जो शुरू किया है उसके ये द्वारा, मतलब जो बच्चे के मन में माता पिता के प्रति कुछ लागणी वो नहीं होता, वो प्रेरणा मिलती है और बच्चों के प्रति, माँ बाप के प्रति उनके मन में प्रेम जागृत होता है और माता पिता को आदर करते हैं और हमारी संस्कृति का रक्षण होता है। आज 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन के उद्देश्य से यहाँ पे सब इकट्ठा हुए थे। युवा जो वैलेंटाइन्स डे मनाता है और अपनी संस्कृति को, हिंदू संस्कृति को ना अधोगति के और ले जा रहा है, उन सभी को यही संदेश है कि वो युवा भी मातृ पितृ पूजन मना के और माता पिता की सेवा करके अपना उद्देश्य है वो ऊंचा रखे। 15 साल पहले पूज्य बापू जी ने इसका शंखनाद किया था और आज केवल भारत में ही नहीं लेकिन विदेशों में भी 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जाता है। केवल इतना ही नहीं, 25 दिसंबर को भी तुलसी पूजन दिवस मनाया जाता है और आज मातृ पितृ पूजन दिवस हर जगह मनाया जा रहा है। इस संदर्भ में यहाँ के बड़े बड़े जो देश के हैं, हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज, उन्होंने, गडकरी जी ने और भी बड़े महानुभाव ने इसके लिए योग वेदांत सेवा समिति का आभार व्यक्त किया है और कहा है कि राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत सुंदर पहल है और बहुत अच्छी खबर है। तो आज उसी सिलसिले में यहाँ पर भी आज मातृ पितृ पूजन दिवस का कार्यक्रम मनाया गया है। सूरत में भी अलग अलग जगहों पर मनाया जा रहा है, ऐसे ही देश विदेश में मातृ पितृ पूजन दिवस का सुंदर कार्यक्रम मनाया जा रहा है। जैसे कि महेश भाई ने बताया कि केवल आज मतलब ये अंकलेश्वर में ही नहीं, सूरत में ही नहीं, भारत में ही नहीं लेकिन देश विदेश में आज मातृ पितृ पूजन दिवस की धूम मची रही। और भले संत आसाराम जी बापू 7 सालों से जोधपुर जेल के अंदर बंद है लेकिन बापू के द्वारा जो समाज उत्थान के कार्य है वो निरंतर जारी है। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, अंकलेश्वर से रफ्तार न्यूज़।